आज हम बनाएंगे आटे की पूरी हलवाई जैसे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आटे की पूरी। तो बिल्कुल वो हलवाई वाला टेस्ट आता है आपका, तो देखिए आपको उसमें क्या क्या लेना पड़ेगा। ये है हमारा आटा, गेहूँ का आटा। ये करीब ये बाउल लिया है मैंने, 3 बड़े बाउल आटा। और इसमें अगर हम सूजी मिला लेते हैं, 3 अगर बाउल ये आटा है तो उसमें 8 कप सूजी इस तरह से मिला लेते हैं इसमें। और आपको चाहिए नमक और पानी, और इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल आटे से कैड़ा गूंदेंगे, तभी आपका ये पूरी जैसा आटा बन पाएगा। आटा जो है वो अच्छे से गूंथ लिया है, देखिए टाइट करा है ये आटा, देखिए, क्योंकि पूरी के लिए हमें आटा थोड़ा सा कैड़ा ही रखना है, जिससे कि पूरी अच्छे से आती है बनके। और इसमें जो था मैंने नमक भी करीब 1 चम्मच डाल दिया था। तो अब हमने गैस ऑन कर रखी है, इसमें हमने 3 बड़ी कड़छी ऑयल डाल दिया है, और 1 बड़ी सी पेड़ी लेके इसको बेलना शुरू कर देंगे हम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत हल्का सा आटे का इसमें डाल के देख लीजिए, ये देखिए एकदम से फूल के आया है। अब आटे की लोई बेल देते हैं हम और इसमें डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाल दी है पूरी। इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से करेंगे पलटे से, देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए कितने बढ़िया फूल की आई है। इसी तरह अब इसको हम पलट देंगे बहुत हल्के हाथ से, ये पलट दी है हमने, देखिए कितने अच्छे से फूल की आई है। इसको आप जैसे भी और ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको आप 1-2 बार और अलट पलट कर सकते हैं, और इसी तरह से आप सभी आटे की पूरी बना सकते हैं। ये हमारी हो चुकी है, मैंने फ़िलहाल गैस बंद कर दी है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है, बिल्कुल हलवाई जैसी पूरी लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। देखिए कितनी बढ़िया बन के आई है हमारी ये पूरी, तो आप इसे बनाइए और खाइए, बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।